पांडु पोल, वही पोल वही छिद्र जिसको भीम ने जब वो वनवास कर रहे थे तो ये पहाड़ी उनके बीच रास्ते में आई और इसको पार करने के लिए उन्होंने अपनी गदा से जो जोर लगाया उससे बना एक छेद जिसे आज बोला जाता है पांडवों द्वारा किया गया पोल यानी पांडु पोल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे रास्ते के बारे में जो कि अलवर शहर से जाता है और सीधा पांडु पोल को। अब आप पहला ये बोलोगे कि रास्ता तो पता है सर, आप काम की बात कीजिए ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भैया आपको रास्ता वो वाला पता है जो अलवर से अकबरपुर, अकबरपुर से नटनीकाबारा, नटनीकाबारा से कुशालगढ़, कुशालगढ़ से सरिस्का और सरिस्का से पांडु पोल। लेकिन जो रास्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुझे बताया था मेरे एक फॉलोअर ने, जो मुझे मिले थे एक थैली पर, और उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप इसका ब्लॉग बनाएं। तो ये रास्ता मेरे घर से मैंने शुरुआत करी अपने दोस्त दिनेश के साथ, तो यहाँ से मैं पहुँचा मालाखेड़ा। अब मालाखेड़ा से मैं पहुँचा बालेटा, जो कि मालाखेड़ा से 11 किलोमीटर पड़ता है, और 11 किलोमीटर बालेटा आने के बाद वहां से मैं पहुंचा उस चौराहे पर जहां पे लिखा हुआ था कि पांडु पोल जाने का रास्ता, जो कि पुराने रास्ते, जो कि मेन रास्ते जिससे सारा ट्रैफिक जाता है, उससे 10 किलोमीटर शॉर्ट है, छोटा है और रोड भी अच्छा है। तो यहां से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फोर व्हीलर इज नॉट अलाउड, क्योंकि रोड जो है संकरा हो जाता है। टू व्हीलर अलाउड है, वही लोग जा सकते हैं या पद यात्रा करके आप जा सकते हैं। तो फिर बस क्या था, मैं उस आखिरी गांव को भी जानना चाहता था तो मैंने पूछ लिया बस। भाई ये गांव को नाम कहीं है? हाँ। नया गांव प्रतापपुरा। प्रतापपुरा पृथ्वीपुरा पड़ा था जिसमें पृथ्वीपुरा वाले का साग है। अच्छा, हम पृथ्वी। और ये सीधो रास्ता कहाँ से आ रहा है? कांदोरी बाईपास हाईवे से। और मैं आगे चल पड़ा, यहाँ से पूरे 13 किलोमीटर। ये रोड ऐसे ही कच्चा रास्ता है क्योंकि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में आता है, इस रोड का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। लेकिन ये रोड उस रोड से 10 किलोमीटर छोटा और कच्चा रास्ता भी 12 किलोमीटर कम है। आइए अब आपको बताता हूँ कि आखिर ये पांडु पोल हनुमान जी यहाँ कैसे आए। कौरवों के द्वारा पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञात वनवास के लिए भेजा गया, तो जिसमें अपनी भार्या द्रौपदी और माता के साथ ये वनवास को निकल पड़े। ये अरावली पर्वतमाला से होते हुए विराटनगर को जा रहे थे, तब इस पहाड़ से उनको जाने में परेशानी हो रही थी, तब भीम ने अपने अग्रज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर इस अरावली पर्वतमाला पर अपने गधा से प्रहार किया, जिससे पर्वतमाला पहाड़ पर एक पोल बन गया जहां से निकली एक पानी की धारा, और उस पानी की धारा के तट पर बसा है ये हनुमान जी का मंदिर। तब भगवान शिव ने अपने अंश बजरंग बली को भेजा ये बोलकर कि भीम को बहुत अहंकार हो गया अपने बल का, तो उनकी परीक्षा लेने उन्हें भेजा। तब भगवान बजरंग बली बीच रास्ते में वृद्धावस्था में होकर लेट गए और अपनी पूंछ को मार्ग पर पटक दिया। तब भीम जब रास्ते से जाने लगे तो उन्होंने वानर से बोला, हे वृद्ध वानर, अपनी पूंछ को मार्ग से हटाइए। तो बजरंग बली ने परीक्षा लेते हुए बोला कि मैं ठहरा बूढ़ा वानर, मुझसे मेरी पूंछ इधर से उधर नहीं होती, आप ही कृपा करके हटा दीजिए। जब भीम ने प्रयास किया तो उनसे पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब भीम को ज्ञात हो गया कि ये जरूर कोई देवता है, तो उन्होंने आग्रह किया कि हे प्रभु, हमें आपके दर्शन कीजिए। तब बजरंग बली ने बोला
कि इस पोल से पूरे 1 किलोमीटर आगे इस झरने के तट पर मेरा मंदिर बनाइए ताकि मेरे श्रद्धालु मेरे तक आराम से पहुंच सके। तब ये इस मंदिर का निर्माण हुआ और आज यहाँ पर पंडित जी की जिन्होंने स्टार्ट की थी सेवा पूजा, उनकी 5वीं पीढ़ी काम कर रही है। तो जय बजरंगबली। तो फिर हम निकले उस 1 किलोमीटर आगे पोल को देखने के लिए, जो कि इतने सुंदर रास्ते से जा रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अलवर का ही हिस्सा है। ताल व्रज को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि हम हिमाचल की गोद में हैं। उस पोल को देखकर अभिभूत हो गया कि वाकई में ये किसी बलशाली पुरुष का काम। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। राम राम सर सभी को। खंबा गणी सर, राजस्थान मेरा देश, मेरा भारत। जय बजरंगबली। ये है फ्यूचर इंडिया का। गो इंडिया गो। ग्रेट भाई।